पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी होती है भाई, क्यों ऐसा करते हैं लोग। देखो आ गए, आगे आ गई ट्रेन, आ गई कुछ लोग ऐसे भाग रहे हैं। और इधर जंगल देखिए पूरा मिल वाला, क्या खतरनाक रास्ते हो गए यहाँ। जो क्रीड़ा स्थल है गंगा देवी इंटर कॉलेज का, कैसे भरा हुआ चार। ओ भाई तो पानी में खड़ा है यार यहाँ पे। और फेंक लो बॉल। लग गए भाई ईंटों में, लग गए टक्कर ईंटों में लग गया। अब तो शायद ये निकलने जल्दी निकल नहीं पाएगा, जगह नहीं है फिर भी निकालने में पड़े हैं। ओ लग गया, फिर लग गया, तो निकल गया निकल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो हमारे नाम मतलब 10 सब्सक्राइबर एकदम से कम हो गए। 10 सब्सक्राइबर पता नहीं कैसे क्या कम हुए, मतलब उनने ना अचानक से उस टाइम हमको अनसब्सक्राइब कर दिया या जो भी हुआ। तो हम देख रहे थे कल सुबह हमारे 10 सब्सक्राइबर कम हो गए, पता नहीं क्या का रीज़न था। अब देखो यार, मतलब उस तरीके से डेली तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन कोशिश तो ये करते हैं कि हमारा ब्लॉग आता रहे कंटिन्यू। तो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है हमारा ब्लॉग कंटिन्यू। फिलहाल अभी काफ़ी तेज़ गर्मी हो चुकी है, बारिश बंद हो चुकी है, धूप पे तगड़ी निकली यार। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तगड़ी धूप निकली है, बहुत गर्मी हो रही है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंगलीपुर फाटक के पास, वहाँ पर थोड़ा हमें धान डालने हैं, जो कि पिछले बार हम जाया करते थे, अभी काफ़ी दिन से गए नहीं है। तो होके आते हैं, इसको बुलाते हैं। तो भाई ये निकाल ली हमने बाइक और ये बोरिस को ले जाना है, चलते हैं इसको बुलाते हैं। बाइक निकल चुकी है अभी हम घर से बोरी लेके। पहले क्या होता था ना, हम बाईपास चौराहे तरफ जाया करते थे, वहाँ पे हम डालते थे धान कुटाने के लिए। अब वो क्या करते थे भाई, बहुत धान उसमें सही कूटते नहीं थे, उसको बहुत धान निकलते थे उसमें पीनने पे। तो फिलहाल अब कि हम फाटक के आगे जा रहे हैं, मोले फाटक आगे, वहाँ डाल के देखते हैं कैसे कूटते हैं वो लोग। और हमें क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ेगी, ट्रेन निकलती है वहाँ से। तो भाई धान डाल दिए हमने और ज़्यादा सूट नहीं कर पाए क्योंकि हम बाइक भी चला रहे थे, ये क्या हो जाता है बार बार। चलते हैं, आप क्रॉसिंग खुली मिल गई थी, बंद हो गई। चलो पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी होती है भाई, क्यों ऐसा करते हैं लोग। देखो वो उधर चिल्ला रहे, रुक जाओ गाड़ी आ रही है। आ गई ट्रेन, आ गए भाई ट्रेन, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई ट्रेन, आ गई। देखो मान ही नहीं रहे भाई, कुछ लोग ऐसे भाग रहे हैं। ये भाई ट्रेन आती हुई सामने से बहुत स्पीड में, गई भाई। जरा देर की बात थी भाई, चली गई ट्रेन। अब आराम से निकालो, उसको निकालना हो। अभी सिग्नल हुआ नहीं है वैसे खुलने का, जब सिग्नल होगा तो खुद ही खोलने आ जाएंगे अपने आप बाहर वो। हल्ले देखो आगे खोलने के लिए, पकड़ो फोन पकड़ो। यहाँ सामने गली में जाम लग गया, ये यार बड़ी आफत वाली बात होती है। पतली सी गली, इतना बड़ा ट्रेन लेके आ जाते हैं लोग, क्या बताएं, खतरा वाला एरिया है ना ये। हम आ गए हैं ट्रैफिक से बाहर। फिलहाल आप ये जंगल देखिए मील वाला, और इधर जंगल देखिए पूरा मील वाला, क्या खतरनाक रास्ते हो गए यहाँ पे। मतलब बारिश के समय में वैसे पहले से ही भी थे, और ये बाद में और हो गए अभी जब बारिश का सीज़न हुआ ना। अभी देखो पानी सूखा है, चारों तरफ का पानी कंटिन्यू भरा हुआ है, तो बारिश बहुत तगड़ी हुई है फिलहाल तो। एंड ये बंगले हैं भाई यहाँ पे मिल के, कभी यहाँ पे हम खूब मैच खेला करते थे, अब तो तहस नहस हो गए हैं सब कुछ, सब बेकार से हो गए हैं। देखो ये, देखो यहाँ का समुद्र, जो क्रीड़ा स्थल है गंगा देवी इंटर कॉलेज का, कैसे भरा हुआ चारों तरफ। लग रहा सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर हुई है, इतना भरा हुआ भाई ये। गाइस घर आ गए हैं, समर सेबल चल रहा है, देखो पानी बह रहा है हमारे यहाँ। तो गाइस फिर से निकल चुके हैं घर से, और हमारी बाइक ना ये वाली बहुत चलती है भाई, बहुत चलती है। अभी तक हमको लगता था कि भाई एवरेज बहुत कम देती है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, एवरेज अच्छा देती है, बढ़िया गाड़ी है भाई, कम से कम 45 का निकाल देती है, चलती इतनी ज़्यादा तो क्या कर रहे हैं भाई, बहुत चलती है गाड़ी। ये रहे भाई हमारी बैंक, फॉर्म लेके तुरंत वापस होते हैं यहाँ से। आज बहुत बड़े मंडे है ना, सॉरी ट्यूजडे भाई। ये देखो ये मिल गया हमको KYC फॉर्म, हमको बस यही लेना था बैंक से। यस बाबू हमारे साथ में आए हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं कबाड़ी बन के। बहुत गर्मी हो रही है, धूप काफ़ी तेज़ है, बाइक पीछे निकालते हैं, चलो बाकी काम करते हैं, इसको ध्यान से पकड़ना ठीक है। चलो भाई यहाँ से हमने ये 1 किलो अनार ले लिए हैं, और ये चाबी हमें दे दो, आओ ये तो उसको मोड़ना मत फॉर्म को, KYC फॉर्म है वो, ख़राब हो जाएगा वरना। आ जा, बहुत तेज़ धूप है यार, दिमाग ख़राब हो रहा। तो गाइस 2:40 हो गए दोपहर के, और हम ऐसे तरह निकल रहे हैं आज फिर से कोचिंग पढ़ाने के लिए। बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, मौसम पूरा घमसी घमसी वाला मौसम है, धूप तो नहीं निकली हुई है लेकिन बारिश, मतलब बादल हल्का सा छाया हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, सब बेकार सा पड़ा है। और चलते निकलते हैं भाई। अरे मैं हर बार बाइक की चाबी भूल जाता हूँ लाने के लिए यार, बाइक की चाबी ले लेता हूँ। तो ये भाई रही चाबी,
तो गाइस पढ़ाई की क्लास होती है ख़त्म और अब खेल की क्लास शुरू होती है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ, मतलब हम खेल रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ। और हमारे स्टूडेंट इतने न्यारे प्यारे हैं, बॉल वहाँ फेंक दिए, देखो वो सा समुंदर पार फेंक दी वहाँ पे बिल्कुल। अब इतना तालाब यहाँ पे भरा हुआ है, अब हम ये सोच रहे हैं कि उठाने कैसे जाएगा है बॉल को। ओ भाई तो पानी में खड़ा है यार यहाँ पे, हमने देख जाओ जाओ आगे जाओ जाओ आगे जाओ चलिए 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 जाओ भाई, तो पानी में घुसा पड़ा है यार। तुम्हें बहुत मजा आ रही लक्की, जाओ भैया। और फेंक लो बॉल, बहुत तेज बॉल फेंकेंगे, पार हो गए घर के पार हो गए। गड्ढा आगे गड्ढा आगे, डूब जाएगा डूब गड्ढा गड्ढा। कूड़े में फेंक दी भाई कूड़े में। तो फेंकी तुमने थी, तुम ही उठाओगे ना। बेचारा नाली में घुसे क्रिकेट चक्कर में। हल्ला हल्ला ये आ गए ये आ गए। अरे चलो भाई आ गई, देखा भाई बॉल कहाँ से उठा के लाया है, वहाँ सामने से इतना गहराई से, और पूरे पैर पानी चले गए थे उसके। फिर नज़ारा सामने का जैसा काफ़ी बढ़िया सा आ रहा है। दीवारें अगर थोड़ी और ऊंची होती तो मतलब काफ़ी सही रहता, मतलब ये भी पड़ी थी भाई। क्या कर रहा है यार ये। तो दोस्तों ये जो आपने लास्ट क्लिप देखी, इसके बाद हम अपने घर चले गए थे, और वहाँ पे जाके भाई कुछ ऐसा हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे घर पे भी ऐसी कोई मुसीबत आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एकदम से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हम लोगों के ऊपर, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो हमारे सबसे बड़े वाले भैया थे, उनको आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से बताऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ, तो अचानक से एक्सपायर हो गए दोस्तों। मतलब पता नहीं क्या दिक्कत थी कैसे क्या हुआ, तो उनको हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ डेड बता दिया गया। तो हम लोग ना बहुत परेशान हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए, उसके क्रम में ब्लॉग भी नहीं बना पाए, और ये 5 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है यूट्यूब पे, तो डाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जिस दिन हम ये ब्लॉग शूट कर रहे थे ये उसी दिन ऐसा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी आपको दे रहे हैं, आगे बताएंगे अगले ब्लॉग में जो भी क्या हुआ कैसे हुआ सब बताएंगे।